हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड बायो क्लासेस में। मैं आपका नंद किशोर सिंह, जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल में। आज अपन लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है MTP। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखो, ये टॉपिक ना नीट एम्स जिपमर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, लेकिन ये टॉपिक आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस MTP का एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं एबॉर्शन, ठीक है। एक बात समझना है, MTP का एक और नाम है एबॉर्शन। इसको अगर मैं हिंदी के लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूँ, हिंदी भाषा में बात करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट में बच्चों को मार देना ही क्या कहलाता है, MTP कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है बच्चों, क्लियर है। देखो, भारत की जो गवर्नमेंट है ना, 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया था, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ इसे लीगलाइज किया था। टर्म एंड कंडीशन क्या था, या तो माँ को खतरा हो या तो बच्चे को खतरा हो, फिर इस कंडीशन में अपन MTP करा सकते हैं, फिर अपन इस कंडीशन में क्या करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। एक मैं डाटा आपको बता दूं, यहां पे दिख रहा होगा पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन पर्सन वुमेन्स क्या किसका शिकार होती हैं, MTP की शिकार हो जाती हैं बच्चों। पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 45 मिलियन से 50 मिलियन तक लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं बच्चों। मतलब कि पूरे प्रेगनेंसी का 20% हिस्सा लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, MTP में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि एबॉर्शन करा देते हैं बच्चों, क्लियर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ये जो छोटा सा डाटा है आपको समझ में आया होगा, और ये डाटा आपको याद भी कर लेना है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि ये इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, इस पॉइंट को नीट वाला पिकअप कर सकता है, क्लियर है। अब देखो, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है बच्चों, ठीक है, तो 3-3 फेज में अपन लोग को MTP के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट 3 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है बच्चों। देखो, अगर फर्स्ट 3 मंथ में हम MTP करते हैं तो वो MTP कैसा होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है बच्चों। लेकिन कुछ रीजन के वजह से आप MTP करा सकते हो, वैसे नहीं कि अगर हमें पेट में मैंने लड़की देख लिया तो उसे एबॉर्ट करा दें, ऐसे भारत सरकार ने लीगलाइज नहीं किया है बच्चों। ऐसे लीगलाइज किया है कि अगर फर्स्ट 3 मंथ में आप MTP कराते हो तो उसका कुछ कारण होना चाहिए, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होना चाहिए पहला कारण, या तो रेप केस हो जाए फिर आप MTP करा सकते हो बच्चों, या तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा यूट्रस में ना डेवलप होके फलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाए, तो इस कंडीशन में भी आप MTP करा सकते हो बच्चों। फर्स्ट 3 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। जब फर्स्ट 3 मंथ में बच्चों आप MTP कराओगे तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ का जो MTP होता है बच्चों वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी पड़ेगी। रीजन, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है बच्चों, या तो रेप केस हो सकता है, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है बच्चों, या तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो MTP होता है बच्चों सक्सेसफुल होगा, क्लियर है। एक पॉइंट और समझना है, 2017 में एक एक्ट आया था जिसे अपन बोलते हैं MTP अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, MTP अमेंडमेंट एक्ट, किस सन में आया था, 2017 में। इसी में ये सब बताया गया है बच्चों कि किस पॉइंट पे आप एबॉर्शन करा सकते हो, किस पॉइंट पे आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। चलो बच्चों, आगे वाला पॉइंट समझते हैं। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, एक मैं रिकॉल कर दूं मैं कि 2017 में एक एक्ट आया था जिसे अपन बोलते हैं MTP अमेंडमेंट एक्ट। इसी में बताया गया था कि आप एबॉर्शन किस तरीके से, किस कंडीशन में, किस रीजन में आप कराएंगे, ठीक है बच्चों। किस सन में आया था, 2017 में आया था। फर्स्ट 3 मंथ में आप MTP कब कराएंगे, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या तो रेप केस हो, या तो बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डेवलप हो रहा हो, मतलब कि यूट्रस में ना डेवलप हो के फलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा हो, तो इसमें जो MTP का रेट होता है भैया, रेशियो होता है 100% नहीं लेकिन 90+ सक्सेसफुल होता है बच्चों, ठीक है। सेकेंड
ट्राइमेस्टर की मैं अगर बात करूं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन एक डॉक्टर प्रैक्टिशनर की सलाह ले रहे थे बच्चों, तो सेकेंड में दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की अपन सलाह लेते हैं बच्चों। अगर एक राजी है एक नहीं राजी है तो फिर आप एमटीपी नहीं करा सकते बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? एक पॉइंट और समझना है बच्चों, यहाँ पे एमटीपी कराने का क्या कारण होता है, जो सेकेंड का थ्री मंथ होता है ना उसमें बच्चों और माँ को जब दोनों को खतरा होगा बच्चों, फिर अपन सेकेंड मंथ में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन एमटीपी करा सकते हैं। वरना सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी मदर के लिए भी घातक हो सकता है और बच्चों के लिए भी फेटर हो सकता है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की एमटीपी होती है बच्चों, वो कब कराना चाहिए? या तो मदर के अंदर कोई दिक्कत हो या तो बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो, फिर इस एमटीपी का, इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के एमटीपी का यूज करते हैं बच्चों। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रख लेना है, अगर ये एमटीपी, ये चीज आप सेकेंड मंथ में करते हो, सपोज बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप एबॉर्शन कराना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रख लेना है बच्चों, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी बहुत ज़्यादा फेटल होता है। फेटल मतलब कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, या माँ की भी जान जा सकती है या बच्चों की भी जान जा सकती है बच्चों। तो ये क्या होता है एकदम बच्चों, ये फेटल होता है, फेटल मतलब कि घातक होता है बच्चों, ठीक है। इसमें दो प्रैक्टिशनर की सलाह लेंगे, किस रीजन में एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं बच्चों, या तो मदर को खतरा हो, या तो किसको खतरा हो, बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो, फिर अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं एमटीपी, ठीक है बच्चों। एक और पॉइंट समझना है, तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, एमटीपी का मेथड क्या है। एमटीपी का दो तरीका है, या तो डीएनसी कर, डीएनसी का मतलब कि बच्चे को कट करके यार बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ये मेथड है भाई, कितना गंदा मेथड है। अब आप जो ये लोग करते हैं ना उसको आप लोग बताइए, ये दुनिया का सबसे खराब काम है दोस्त। अगर कोई दिक्कत है मदर के अंदर या बच्चों के अंदर, फिर एमटीपी सही रहेगा बच्चों, वरना तो बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसका तरीका है, या तो अपन डीएनसी मेथड से यूज कर सकते हैं, डीएनसी मतलब कि बच्चे को कट करके निकालेंगे बच्चों, कट करके निकाला जाता है, उस मेथड को अपन बोलते हैं क्या, डीएनसी। एक और मेथड है पिल्स के द्वारा, पिल्स खा के कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एमटी पिल। एमटी पिल को अपन RU486 भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, RU486। इसमें एक केमिकल होता है जिसे अपन बोलते हैं मीफीप्रेस्टोन। कौन सा केमिकल होता है बच्चों, मीफीप्रेस्टोन। और ये मीफीप्रेस्टोन जो होता है बच्चों, एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है, एंटी के प्रोजेस्टेरोन के अपोजिट काम करता है बच्चों, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, यूट्राइन लाइनिंग को, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, प्रिपेयर करता है ताकि उसमें बच्चा इम्प्लांट हो सके। अगर आप ये पिल्स खाओगे तो एंटी प्रोजेस्टेरोन है क्या करेगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तोड़ देगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बाहर आएगी और उसके साथ क्या बाहर आ जाएगा, एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो तरीके मैंने बताए, और एमटीपी कब करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, जितने भी पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे मैंने पॉइंट को कवर कर दिया बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन कर दूंगा। तो अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जिसको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।